गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है। मैंने कल सोचा था आज पूरा दिन का ब्लॉग मैं बना दूंगी, लेकिन फिर मुझे याद आ गया आज मेरी बेटी का स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और उसी के लिए मुझे जाना है। अभी 9 o'clock हुआ है, आधा घंटा ही मुझे मेरे पास है। मैंने सोचा, मैं सोच लिया तो अभी मुझे एक वीडियो डालना है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है, मुझे कंटिन्यूसली अभी बहुत सारा मेरा व्यूअर्स पूछ रहे हैं। कल भी एक व्यूअर्स ने पूछा था, उसका नाम है सिनुफियास। उसने पूछा था मैं मलयाली होकर भी हिंदी में क्यों स्टार्ट किया है। ऐसा बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है, उसमें उन्नी मालिनी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा था। अभी मुझे लग रहा है मैं उसका जवाब देना है। मैं हिंदी में इसलिए स्टार्ट किया है, मुझे पहले मैं बोलूँगी मैं यूट्यूब स्टार्ट करने का कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था यूट्यूब क्या है। मेरी बच्चे लोगों की वजह से, मेरी बेटी का एक चैनल है क्यूट सिस्टर, उन लोगों और मेरे बेटे ने फोर्स किया है, इसलिए मैंने, और मुझे ब्लॉग क्या है वो सब नहीं मालूम था। मैं थोड़ा कुकिंग वीडियो देखती थी और उसके अलावा ब्लॉग सब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे बेटे ने बोला आप कुकिंग वीडियो स्टार्ट कर लो, फिर उसने मुझे मैंने स्टार्ट किया उसके, क्योंकि हमेशा मैं ऐसा सोचती हूँ मेरे बेटा कुछ, मेरे बच्चे लोग कुछ चाहते तो वो मैं कर देगा, क्योंकि एक सुपर मॉम की इम्प्रेशन उनके नज़र में आना है, वही सोचा है। उससे ज़्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, मतलब उनका खुशी है मेरे लिए, इसलिए उनको ऐसा बहुत एक्साइटमेंट था। मैं एक ब्लॉग शुरू किया तो कैसा लगेगा, फिर मैंने बोला ठीक है मैं स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने ब्लॉग पहले कुकिंग वीडियो मतलब उसी ने ही स्टार्ट किया, उसमें मुझे एडिटिंग वो सब कुछ नहीं मालूम था, मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया है। और उसके बाद उसने मुझे आइडिया दिया आप ब्लॉग स्टार्ट कर लो, मैंने पूछा मुझे ब्लॉग क्या है, मुझे नहीं मालूम है, फिर उसने बोला आप सर्च कर लो। फिर मैंने सर्च किया तो एक इधर का नहीं, कोई फॉरेन का ही एक ब्लॉग मैंने देखा। मैंने बोला देखो ये सब डेली लाइफ का है, उसने बोला हाँ ये डेली लाइफ का डाल दो। और उस समय मुझे नहीं मालूम था मलयालम में भी कोई ब्लॉग ऐसा डाल रहे या लोगों को पसंद आएगा, मुझे नहीं मालूम था। और फिर उसने बोला, संतोष ने बोला एक काम कर लो तुम इंग्लिश में स्टार्ट कर लो, उसी टॉपिक के मैं बाद में बात करूँगी, अभी मैं बोल रही हूँ मैं मलयालम में क्यों स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि शादी के बाद मेरा जितना भी फ्रेंड्स है, क्योंकि मेरा हस्बैंड का बॉर्न ब्रॉटअप सब राजस्थान में हुआ है, और शादी के बाद मेरा भी सारा दोस्त वही लोग हो गया, और इसलिए एक दो मलयाली फ्रेंड्स है लेकिन उनको भी हिंदी आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मैं शादी के पहले मुझे मलयालम के अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं आते थे। मैं मेरे इंट्रो में बोला था मुझे, मैं एक छोटी सी गाँव से आई है और उधर मलयालम के अलावा उस समय कोई और लैंग्वेज में बात नहीं करते थे। और मैंने फिर मलयालम ही मुझे आते थे, और शादी के बाद फिर हिंदी सीखना पड़ा। हिंदी सीखना नहीं, हिंदी भी बहुत बाद में सीख लिया दोस्त लोगों के साथ बातें कर बातें। पहले मैं बहुत शर्माती थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा अगर किसी को कोई लैंग्वेज मालूम होगा, समझ में आता होगा, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, शर्म आता है, मैं बोल दिया तो क्या वो लोग हंसेगा, ऐसा सोचकर थोड़ी खबर आती थी। फिर धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी सपोर्ट दिया, मैं धीरे धीरे हिंदी थोड़ा बोलना शुरू हो गया, फिर सारा दोस्त लोग हिंदी बोल रहे तो वो आदत ही पड़ गई, फिर धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी पूछा तो उन लोगों ने भी बोला हाँ तुम ब्लॉग डाल दो। फिर मुझे हिंदी में क्यों डाला, उसका पहला रीज़न है मेरा फ्रेंड्स लोगों को हमारा केरल का कल्चर बहुत पसंद है, हमारा खाना, हमारा ड्रेसिंग और वो सब बहुत पसंद है, घर हमारे उधर का घर मैंने वो नोटिस किया है। बाकी मैंने बहुत सारा जगह गया है, राजस्थान गया है, वेस्ट बंगाल गया है, बाकी बहुत सारा, अभी बैंगलोर में भी मैं रहा है, लेकिन सब जगह का घर बैंगलोर साउथ इंडिया में ही है, लेकिन कर्नाटक है, लेकिन उधर का भी और केरल का भी एकदम अलग है। मुझे ऐसा लगा मैं ऐसे हिंदी में स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों को वो देख सकते हैं, बहुत अच्छा फील हो, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों को वो पसंद था। और हमारा फेस्टिवल केरल का ही, सिर्फ केरल का ही फेस्टिवल है ओणम और विशु, और मैंने सोचा वो सब मैं दिखा दूँगी।
उसमें क्या स्पेशल है वो सब, जब फेस्टिवल आए तो वो सब दिखा दूंगी, बहुत सारे लोग उनके उसके बारे में जानकारी मिलेगा। ऐसे मैंने सोचा है मेरा कल्चर मैं यूट्यूब की तरफ से बाकी जिन लोगों को पसंद है उनको और थोड़ा जानकारी और उनको उनके साथ शेयर करूंगी, वही सोचकर पहले मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। फिर दूसरा है, मुझे ऐसा लगा था मलयालीस में बहुत सारे लोगों को हिंदी आते, बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लेकिन मैक्सिमम लोग को समझ में आते हैं। अभी मेरी मम्मी को देखो, उसको बोलना नहीं आता है लेकिन उसको सब समझ में आती है, और इसलिए मुझे लगा केरल में मैक्सिमम लोगों को हिंदी समझ में आता है, इसलिए मैंने सोचा एक कॉमनली ठीक है हिंदी में डाल देंगे। फिर इंग्लिश में मैंने क्यों नहीं डाला, इंग्लिश में क्यों नहीं डाला उसका रीज़न है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे इंग्लिश, मैंने इतना इंग्लिश में, संतोष ने मुझे बोला था तुम इंग्लिश में डाल दो क्योंकि बहुत सारा इधर का लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, संतोष ने बोला तुम उनके लिए तो एटलीस्ट इंग्लिश में डाल दो, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा, मैं अपने इंग्लिश एक्सेंट में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे बहुत इम्प्रूव होना है क्योंकि मैं पहले मुझे इंग्लिश नहीं आते थे, मैं इंग्लिश बोलना शुरू हो गया 5 साल, जब से मेरी बेटी का 1 साल का बर्थडे है वो बात करना शुरू हो गया, उसके बाद मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। उसके पहले मैं यूके रहने के पहले मैं सिंगापुर में रह चुकी हूँ, उधर भी मुझे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं लगा, हाँ थोड़ी बहुत मैं सबसे थोड़ी बहुत जिधर ज़रूरत है उधर मैं बात कर सकती हूँ लेकिन बहुत अच्छा फ्लुएंटली मैं नहीं बात कर सकती थी और बहुत शाई भी करती थी मैं बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे ऐसे कर। फिर इधर आने के बाद मेरा बेटा स्कूल जाने के बाद टीचर्स ने बोला उसका एक्सेंट भी ठीक नहीं है, आप एक काम करो घर पे इंग्लिश में उससे बातें करो। उसको 1 महीना बहुत सफ़र करना पड़ा स्कूल में क्योंकि एक्सेंट उसको समझ में भी नहीं आ रहा, इधर का एक्सेंट थोड़ा अलग है उसको समझ में भी नहीं आ रहा, वो बोल उसका एक्सेंट थोड़ा अलग है तो उसको बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रहे थे। फिर मैंने सोचा ये अभी मैं मेरी बेटी के साथ नहीं करने, मैं मेरी बेटी को बचपन से ही वो सिखाने वाली हूँ, मैंने उसके साथ इंग्लिश में बात करना क्योंकि वो मेरी बेटी तब बातें करना शुरू हो गया था, मैं स्टार्टिंग ही हुआ था, मैं तब सोचा अभी मैं इंग्लिश में उससे बात करूँगी, मैंने इंग्लिश में बात करना शुरू हो गया। मेनली मुझे सीखना था इंग्लिश, मेरा इम्प्रूव होना था इंग्लिश, मुझे इम्प्रूव करना था। फिर ऐसे बात किया, उसमें एक अच्छाई भी हुआ उसमें एक नुकसान भी हुआ है क्योंकि अच्छाई ये है मेरी बेटी का इंग्लिश इतना अच्छा है, आप लोग उसका चैनल क्यूट सिस्टर देख लिया, कोई भी देख लिया तो आपको मालूम होगा कितना उसका इतना अच्छा इंग्लिश है, पूरा इधर की जैसा है, बहुत अच्छा इंग्लिश है। लेकिन नुकसान क्या हुआ, उसी की वजह से उसका वो अपना लैंग्वेज नहीं सीख पाई, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है इसलिए। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है धीरे धीरे उसको सब समझ में आते हैं, मलयालम सब मलयालम हिंदी दोनों क्योंकि उसका बहुत सारा नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स है इसलिए उसको समझ में आता है लेकिन बोलना नहीं होता, बोल नहीं पाते उसको मैं कैसे इंग्लिश और हिंदी बोलने में शर्मा आती थी वैसे वो मलयालम बोलने में उसको लगता है एक अलग सा ये है, इसलिए उसको शर्म आता है अगर कोई बात करने के लिए बोलते, लेकिन उसको सब समझ में आती है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएगी मुझे वो विश्वास है। लेकिन मेरा क्या है, मैं उसी वजह से मैं इंग्लिश सीख गई लेकिन मेरा एक्सेंट में इतना अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि हर जगह का एक अलग अलग एक्सेंट होता है, केरल का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, बिहारी का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, हर जगह के एक अलग अलग हमारे इंडिया में अलग अलग एक्सेंट रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है, मेरी आँखें सामने हुआ है, एक्सेंट की वजह से बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं लेकिन एक्सेंट की वजह से उनका मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, मैंने बहुत सारा मैंने देख लिया है, इसलिए मेरा मेरा कॉन्फिडेंस और कम हो गया। और मैं बोलती मैं इधर एकदम मैं खुशी का स्कूल का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और चुंगसी का मेरे बेटे का स्कूल का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी संतोष का, ऐसा हम लोगों ने क्योंकि संतोष बहुत ट्रैवल करे तो वो हम लोग डिवाइड करके रखा है, खुशी का सब कुछ मैं ही देखती हूँ, स्कूल का सारा इसमें मैं जाती हूँ, सबसे मिंगल करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर का। मैं इधर पढ़ाई भी किया है ना, मैंने बोला ना मैं इंटीरियर कोर्स किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इधर के लोगों से बातें करने में, लेकिन
मैं इंडियंस का ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन इंडियन से बातें करने में मुझे थोड़ा, जब वो लोग मुझे बात करते तो मैं एकदम साइलेंट हो जाती हूँ. मुझे ऐसा मेरे दिमाग में आ जाता है, मैं अगर अभी बोल दिया तो मेरे पीठ पीछे मेरा बाद में मजाक उड़ाएंगे, ऐसा मुझे एक, इसलिए कोई भी मुझे इंग्लिश में बोल दिया तो भी मैं सडनली चुप हो जाती हूँ. मैं पता नहीं, मैं बात बहुत कम कर लेती हूँ, ऐसा हो जाती है. वो मेरे अंदर एक डर है, अभी वो मुझे दूर करना है, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस सुना है. मैंने बहुत सारे लोगों को मैं मजाक उड़ाकर देख लिया है, इसलिए वो एक डर मेरे ऊपर भी वो नहीं आना है. मेरा हिंदी के लिए मुझे बहुत सारा मजाक, लेकिन वो मैं मजाक ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे, मैं खुद से मजाक मैं लेती, क्योंकि मुझे मालूम है कभी कभी मैं बोलती है तो फनी लगती है. एक बार ऐसा हुआ है, मेरी एक फ्रेंड को मैंने बोला, उसको मेरे साथ बैंगलोर आना था, हमारे घर में रहना था पढ़ने के लिए, और उसने बोला आप मेरे पापा को पूछ लो. तब मुझे हिंदी इतना नहीं आता था, ग्रामर मतलब बाप पिता है इसमें कोई फ़र्क. मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम्हारा बाप से पूछो. तब लोग, सब लोग इतना शौक कह गए और उसके बाद हंसना शुरू हो गया. और उस समय मुझे मालूम नहीं था मैं गाली दे रहे, मैं उसको ऐसा नहीं बोलना था, उस नहीं तो पिता का पूछे, फादर का पूछे, लेकिन बाप नहीं, ऐसा वो बिना रिस्पेक्ट से बोल रहा था. लेकिन मैंने मन में मैंने सोचा वो, क्योंकि मूवी में सब मैंने वही सुना था, मैंने सोचा वैसा है. ऐसा बहुत सारा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मैं ग्रामर मिस्टेक बहुत करती हूँ. लड़की लड़के का डिफरेंस, वो ग्रामर मिस्टेक बहुत करती हूँ, ठीक है. इसलिए भी मुझे वो भी एक रीज़न है, मेरा हिंदी भी इम्प्रूव करना है. मैं अगर कुछ अभी ब्लॉग कर रहे में कुछ, क्योंकि हिंदी बोलने का शर्म मेरा हट गया अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से अभी बातें करके वो हट गया. लेकिन इंग्लिश में बोले ना, मैं कोई भी इंडियन से मैं इंग्लिश में बात नहीं करती, इसलिए वो अभी भी वो डर मेरे अंदर है, वो धीरे धीरे मुझे निकालना है. इसलिए मैंने सोचा पहले एक बार मैं हिंदी में स्टार्ट किया, फिर मुझे पता चला लोग कैसा है, सपोर्टिव है या हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं वो. इसलिए मैंने सोचा लोग कैसा है पहले मालूम पड़ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आने के बाद मैं इंग्लिश में स्टार्ट करूँगी, वैसा मैंने सोचा था. लेकिन अभी मैं देख रहे हैं मलयालम में भी बहुत सारे व्लॉग है. मैंने सोचा अभी मैंने हिंदी में स्टार्ट किया है. अगर आप लोगों को मेरी मलयाली फ्रेंड्स लोगों को मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को मैं मलयालम में व्लॉग करना है तो वो आप लोग मुझे सजेस्ट कर लो. और वो भी नहीं, मेरे वीडियो में कुछ कमी है, आप लोग मुझे, ये सबके लिए मैं बोल रहे हैं, कुछ कमी है, क्योंकि हर का लाइफ स्टाइल अलग अलग है. कभी कभी अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग इतना अच्छे से बात करते हैं, वो बातें सुनते रहना ऐसा फील होता है. क्योंकि अभी मेरा भी बहुत सारा फ्रेंड्स लोग यूट्यूब में बन गया, तो ऐसा लग रहा है उनका बात ही सुनकर एक एडिक्शन जैसा हो गया. मैं ऐसा बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा हिंदी फ्लुएंसली, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में रुक रुक कर एक सेंटेंस पूरा करने के लिए मैं बहुत बार सोचना पड़ता है, बहुत उसके बीच में बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर लेती हूँ. अभी देखो इतना छोटा वीडियो मैं इतना बड़ा कर ले बात, वो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है. इसलिए कोई भी मेरे बातों में मेरा वीडियो में कुछ भी, और आप लोगों को कुछ डाउट है तो भी मुझे पूछो, क्योंकि मैं दो बच्चे की माँ है, मेरा दो बच्चे अलग अलग नेचर का है और एज गैप है, और मैं इंडिया में रह चुकी हूँ, लेकिन इंडिया में मेरे बेटे को एक ही साल पढ़ा है, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन मैं सिंगापुर में रही है, इधर यूके में रही है. इधर आप लोग पूछ सकते हैं सिंगापुर का और इधर का बच्चे लोग को कौन सा स्कूल में, अच्छा स्कूल में डालना है और क्या दौर. कोई भी अगर यूके में आ रहे हैं तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कौन सा अच्छा स्कूल है, कौन सा एरिया अच्छा है, और इधर का स्कूल का फ़र्क मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल सकती हूँ. आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे बोल सकती हूँ, और बच्चे का वो मैं बोल सकती हूँ, दो बच्चे का अलग अलग नेचर है तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कैसे बच्चे को बड़ा करना है. ये सब लोग अपनी तरीके से बड़े, लेकिन मैं दो बच्चे में डिफरेंस है तो मुझे मालूम है इधर गलती मुझसे हो गई, इधर गलती मैंने सही किया, वो मुझे फील हो रहा है. इसलिए वो भी आप लोग मुझे राय पूछ सकते हैं. न्यू मॉम के लिए मैं बोल रही हूँ. फिर मैं अभी मेरी मलयाली दोस्त लोगों को बोल रही हूँ, मलयालम में बोलने वाली हूँ. एंड मलयाली व्यूअर्स ने आकेंगिलम
എൻ്റെ ചാനലിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇനി മലയാളത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വീഡിയോ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നല്ല ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക. ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്നറിയാം എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഹിന്ദി കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് മലയാളം പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതായിട്ട് മലയാളം പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എനിക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ ചെയ്ത്, നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ എന്തെങ്കിലും ചീത്തയെന്നല്ല എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാനത് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളാം. പക്ഷേ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നോട് ചോദിക്കണം അത്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല, ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല, കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അഭി മേ മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്കിയായ അഭി മേ സബ് കെ ലിയെ ബോൾ രേ മേ സബ് കെ ലി എക് ഓർ ചീസ് മേ ബോൾ രേ മേനെ ബോൾ ദിയ അഭി മേ ക്യൂ ഹിന്ദി ഓർ മലയാളം ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് മേ സ്റ്റാർട്ട് നീക്കിയ മേ ബോൾ രീ ബോൾ ദിയ മേനെ ക്യൂക്കി മേരാ ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്തന അച്ഛാ നീ അച്ഛാ ഹെ അഭി മേ അഭി അച്ഛ സെ ബാത് കർ സക്തി ഹൂം ലേക്കിൻ മേച്ച കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നഹീ ഹെ മേരാ എക്സ്പീരിയൻസ് മേ ബോൾ രീ ഹൂം ഇസ്ലിയെ തോടാ ഓർ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ആനെ കെ ബാദ് മേ കരുങ്കി ലേക്കിൻ മലയാളം മേ മേ സ്റ്റാർട്ട് കർ സക്തി ഹൂം ഫിർ മേ എക് ഓർ ചീസ് ബോൾ രീ മേ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് കർനെ സെ മുച്ചേ ക്യാ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഹോ ഗ്യാ മേ ബോത് കം ടൈം ഹു ആയ മേ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് കർ മേ ഏസ ബോൾ സക്തി ഹൂം മേ ഹർ ചീസ് മേര ഹസ്ബൻഡ് സെ ഡിപ്പെൻഡ് ഹോത്തെ തെ ഓർ മേര ഹസ്ബൻഡ് കെ ഘര സെ ബാഹർ നികൾനാ ഹെ തോ മുച്ചേ ബച്ചേ ചാഹിയേ നഹീ തോ ഹസ്ബൻഡ് ചാഹിയേ വേസാ വാലാ ബിഹേവിയർ താ മേരാ ഓർ അഭി മേ ഏസ ബോൾ രീ യൂട്യൂബ് ജബ് സെ മേനെ സ്റ്റാർട്ട് കിയാ ഉസ്സേ ബാദ് ഏസ എക് കോൺഫിഡൻസ് ആ ഗ്യാ ഏസ ലഗ് രാ മേ ബി കുച്ച് ലായക് ഹൂം മേ ബി അഭി കുച്ച് കർ രേ ലൈഫ് മേ അഭി മേ കിധർ ഭി ജാവോ കിധർ സെ ഫേസ് കറോ പതാ നീ എക് അചാനക് സെ എക് സച്ച് മേ സൂപ്പർ മോം ബെൻ ഗയ വോ അഭി വോ എക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ ഗീ മേരെ അന്തർ വോ ക്യൂ ഹെ ക്യൂങ്കി മേ മൻ സെ ഖുഷ് ഹൂം മേനെ ഏസ സോചാ മേ യേ പേലെ ക്യൂ നഹീ സോചാ ഹെ മേരെ ലൈഫ് ക കിത്നി പാർട്ട് മേനെ വേസ്റ്റ് കി ഏസ മുച്ചേ ഫീൽ ഹോ രേ इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर मेरे जैसा बिहेवियर है कोई शाई वाला है कोई आजकल कोई भी शाई जैसा नहीं है आजकल सब लड़की लड़के लोग स्मार्ट ही है इसलिए मैं लेकिन अगर कोई भी मेरे जैसा शाई है बाहर दुनिया में जाने के लिए डर रहे है सबसे बात करने का डर रहे मैं बोल रही हूँ आप लोग एक बार ये कोशिश कर लो मैं यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए नहीं बोल रहे आप लोग अपने मन की ढूँढो मन में क्या आप लोग को खुश मिलता है वो चीज़ आप लोग पक्का പക്കാ വോ ഫുൾഫിൽ കർണായ നൈ തോ ഹെ നാ ആപ് ലോഗോ ലൈഫ് മേ ഏസ ഫീൽ ഹോഗാ മേ ലൈഫ് മേ കുച്ച് നഹീ കർ രേ കുച്ച് കമ്മി ഹെ മേരെ ലൈഫ് മേ ഇസ്ലിയെ ആപ് കുച്ച് ഖുഷ് ക്യാ ഹെ അച്ഛാ ചീസ് ഉസ് മേ വോ ഢൂണ്ടനേ കെ ലിയേ ഢൂണ്ടോ ആപ് ലോഗ് ഓർ ക്യൂങ്കി മേനെ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കാ കോഴ്സ് സീഖ് ലിയാ മേനെ വോ പാസ് ഭീ ഹോഗാ ഡിപ്ലോമ അഭി മേ മുച്ചേ ഡിപ്ലോമ മിൽ ഗയാ ഹെ ലേക്കിൻ मैं उसमें खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो चीज़ सोचकर वो पढ़ाया वो मुझे नहीं मिला इसलिए मैं खुश नहीं हूँ लेकिन YouTube से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग मेरे मुझे अभी पहचान रहे मुझे अभी बहुत सारा नहीं लेकिन हाँ फिर भी घर के अंदर कोई भी मुझे नहीं जानते थे लेकिन अभी बहुत थोड़ी बहुत लोग मुझे पहचान रहे और मैं एक दिन एक हफ्ता ब्लॉग नहीं डाले तो मुझ मेरे बारे में पूछने के लिए कोई है मतलब बाहर से कोई है कोई नया नया मेंबर्स मेरे फैमिली में आ रहे वो खुशी मैं बोल नहीं सकते आप लोगों को ये मुझे लगता है सब यूट्यूबर्स के साथ ये फील हो रहा है क्योंकि एक एक छोटी सी कमेंट है ना हमारे बारे में पूछकर कोई कोई पूछते हैं आप NRI की वाइफ हो कोई कोई पूछते आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे आपका हिंदी मुझे बहुत अच्छा है आप इतना टाइम से व्लॉग डालने में लेट क्यों हो रहे हैं ऐसा कर कर ये सब सुनकर है ना इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे अभी व्लॉग बनाना ही है ऐसे कर एक पॉजिटिव एनर्जी आते हैं
और मेन एक और चीज़ है, काली दिमाग कभी भी मत बैठो, क्योंकि मैं बोल रही मैं बहुत, मुझे हेडेक होते थे, मुझे अभी हेडेक नहीं है, टच वुड मुझे अभी हेडेक नहीं है। हेडेक है ट्रैवल करे तो होते ले, या महीने में एक बार, दो महीने में एक बार ऐसा होता है। वो क्यों है, हम लोग खाली दिमाग बैठ लिया तो ऐसा लगता है इधर पेन है उधर पेन है, लेकिन जब दिमाग बिजी, इधर बिजी होते तो ना कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है। अभी मुझे ऐसा है, मैं मुझे डेली मैं कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोगों का वीडियो मैं देखती हूँ, उसके वो मैं उसके लिए कमेंट करने के लिए आती हूँ, और मेरा मेरा डेली मेरा ऐसा जब खाली बैठते तो ऐसा रहता है अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या और अच्छा करूँ, वही मैं एडिटिंग कैसे सीख लूँ, एडिटिंग में क्या अच्छा कर लूँ, फोटोग्राफी में क्या अच्छा और कर लूँ, वो कौन सा कैमरा अच्छा है, वो सब अभी मेरे दिमाग पर पूरा वही है, आगे आगे क्या करना है वो सब है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ, आप लोग अपने दिल की बात सुन लो, वो पूरा करने के लिए कोशिश कर लो, आपका सारा बीमारी सब कुछ चले जाएगा, आप लोग दिल से बहुत खुश होगा। ये सब मैं इतनी खुश हूँ वो सब आप लोगों की वजह से है, मैं ये झूठ नहीं बोल रही, सीरियसली बोल रही, मेरे घर वाले सब ये फील कर रहे हैं मैं कितनी बदल गई। इसलिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ अपनी दिल की बात पूरा कर लो, और मैं इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों से बोल रही हूँ, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, और अच्छा कमेंट प्लीज़, अच्छा अगर कोई भी मेरा नया वीडियो, अब कोई भी नया लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अच्छा अच्छा कमेंट डालना, सब लोग अच्छा अच्छा कमेंट डालना, और लाइक करना तो भूलना ही नहीं। फिर अभी मेरा वीडियो इधर मैं फिनिश नहीं कर रही, वीडियो मैं बोल रही क्योंकि मुझे अभी टाइम हो गया, मुझे जाना है अभी बेटी के स्कूल, अभी मैं अभी डाल रही हूँ मेरा वेडिंग में, जून 1st में मेरा वेडिंग एनिवर्सरी था, लेकिन मैं इतने दिन वो वीडियो नहीं डाल पाई, अभी मैं वीडियो अभी मैं इसके बाद वो वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग वो देखना क्योंकि स्पेशल है, हमारा 15th वेडिंग एनिवर्सरी था, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट वेडिंग एनिवर्सरी, संतोष ने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया था, इतना अच्छा जगह लेके गया, इतना बेस्ट, मैं लाइफ में कभी भी नहीं सोचा इतना सुंदर जगह है, और देख मैं देख सकती हूँ बहुत ही सुंदर जगह है, और वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा, मैं वो प्लेस आपको दिखाएंगे, छोटा सा क्लिप, छोटा सा वीडियो है, और इतना सुंदर है, और केक कटिंग कुछ नहीं, वो वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था हम लोग, इसलिए वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैं जितने ट्रैवल कर रहे हैं, मैं कितना एंजॉय किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पक्का वो वीडियो देखना, पक्का देखना है, और ठीक है तब तक के लिए आप लोग देखो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक करना भूलना नहीं, कमेंट तो प्लीज़ अच्छा 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 या बुरा सजेशन दे दो, कमेंट करना भूलना नहीं, लाइक करना भूलना नहीं, बाय, वीडियो देखना। Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter.
क्या सुंदर है ना, जबरदस्त है ना, कलर्स देखो। हाँ ये अमल्फी भी से भी सुंदर है। बहुत ही जबरदस्त। Sometimes when you're here.